हेलो एवरीवन, हम पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे पार्ट वन का टॉपिक सेल। पार्ट वन में हमने सेल की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करा था, सेल की डिस्कवरी के बारे में कि व्हाट आर सेल, सेल क्या होते हैं, सेल को किसने डिस्कवर किया, ऑल दैट सारा हमने डिटेल में पढ़ा था। अभी पार्ट टू में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, या सेल के जो पूरा स्ट्रक्चर इसका उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पार्ट वन में पहले ही हमने पार्ट वन में डिस्कस करा था कि सेल जो है वो एक लिविंग बैग की तरह है या लिविंग सेट की तरह है, जिसमें और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। तो आज हम वो सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे या उनके क्या रोल है सेल के अंदर। तो पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की आउटर लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है, जिसे हम बात करते हैं हमारा घर है, और घर का जो बाहर का बाउंड्री वॉल होता है, बाहर का जो आउटर वॉल होता है, ऐसे तो सेल का जो आउटर वॉल होता है या बाहरी वॉल होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मीन सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनाया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। मोस्टली सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ था, बट कभी कभी इसको हम लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मेनली आपको सिर्फ यही लिखना है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये सारे ऑर्गेनिक्स इस सेल मेम्ब्रेन के ही अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मीन्स ये डबल लेयर से बनी होती है। तो अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया कि सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर लेयर है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना हुआ होता है। एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा आने वाला जो क्वेश्चन है वो आता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, सेलेक्टिव मीन्स बहुत सेलेक्ट करना कुछ खास, परमिएबल मीन्स परमिशन। तो ये वो मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्ट करती है या परमिशन देती है दूसरे मटेरियल्स को एंट्री देना और एग्जिट करना, कि सेल में कौन सी चीज़ें एंटर कर सकती हैं और सेल से कौन सी चीज़ें एग्जिट कर सकती हैं। तो ये सेलेक्ट, पहले तो ये सेलेक्ट करती हैं कि कौन सी चीज़ें अंदर जा सकती हैं सेल में और कौन सी चीज़ें सेल से बाहर कर सकती हैं। देन ये परमिशन देती हैं कि एग्जिट और एंट्री करने की परमिशन भी देती हैं। तो ये सेलेक्ट करती हैं, देन परमिशन देते हैं, तो इन्हें सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर हम और फंक्शन की बात करें सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट भी करता है सेल के जो अंदर जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सुरक्षा देता है। ऑल्सो इट गिव शेप टू द अदर ऑर्गेनिज्म, तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं ये उनको शेप भी देता है और उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सचेंज करता है सब्सटेंसेस को, एक्सचेंज द सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग टू द सेल। ओके, अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक सपोज ये एक पैकेट है, तो ये इस पैकेट के अंदर बहुत सारा नमकीन है अंदर। तो ये इस नमकीन को या इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन जो दे रहा है ये आउटर लेयर है, ये वाली जो पॉलीथीन की, ये पॉलीथीन का जो पैकेट है या पॉलीथीन बैग है, ये पॉलीथीन बैग ये अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो दिस आउटर लेयर और आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, सेल का, जिसे कि सेल वॉल कहते हैं। अब हम आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि जो सेल होते हैं वो टू टाइप्स के कहे गए हैं। टू टाइप्स मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल। दैट मीन्स जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग और एनिमल्स होते हैं,
उनका सेल का स्ट्रक्चर या उनके ऑर्गेनिक्स सेम होते हैं या फंक्शन सेम होते हैं, बट प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर और स्पेशल ऑर्गेन्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में या हमारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहते, जो कि प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा एक और ऑर्गेनेल है जो कि सेल वॉल है। ओके, तो सेल वॉल एक ऐसा ऑर्गेनेल है और ऐसा पार्ट है सेल का जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स या हमारे सेल्स में ये सेल वॉल नहीं होता। अब इसका रीज़न कि क्यों हम में या एनिमल्स में प्लांट सेल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम समझते हैं कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल एक और लेयर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। ठीक है, ये एक रिजिड कवरिंग होती है। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी होती है और सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। इसलिए प्लांट से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट होगा, लाइक अगर हम कॉटन क्लोथ्स की बात करें या हमारे कपड़े हैं या पेपर है, कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर में क्या प्रेजेंट रहता है, तो सेलुलोज। हमारे कॉटन क्लोथ्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो सेलुलोज। या कोई भी कोर फाइबर्स से बना होते हैं या फ्लेक्स फाइबर्स से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेलुलोज। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में ही सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और सेल वॉल में जो है वो सेलुलोज होता है। अगर हम बात करें लेदर प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो प्रोटीन, क्योंकि जो एनिमल सेल्स हैं उसकी सेल वॉल जो है वो प्रोटीन की, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, या कभी कभी ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज़्यादातर एमसीक्यूज में, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता, तो वो सेल वॉल हो गया। या ये भी पूछ लेते हैं कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है सेल वॉल। अब सेल वॉल होता क्या है? ये एक आउटर कवरिंग या आउटर लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ से बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन को भी ये कवर करती है। ये सेलुलोज की बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट रहती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका भी यही फंक्शन होता है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या शेप प्रोवाइड करती है। मीन्स ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा शेप प्रोवाइड करती है सेल को। अब आप ये पूछेंगे कि जब सेम फंक्शन सेल मेम्ब्रेन कर रही है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है, तो सेल वॉल की क्या ज़रूरत है प्लांट्स को? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सेल के ऑर्गेन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उनका साइज़ ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है। लाइक वैक्यूल्स की हम बात करें तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर बड़े बड़े साइज़ के होते हैं कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स। मतलब हमारे और एनिमल्स के कंपेरिजन में प्लांट्स के वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप मार्केट में मैंगोस खरीदने जाएंगे या आप पोटैटो या टमेटो, ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, तो जो आपको जो भी सब्जी वाला है वो आपको एक पॉलीथीन बैग में, ये टमाटर आलू सब्जी सारी चीज़ें ये एक पॉलीथीन बैग में रख के दे देंगे। बट अगर आप वाटरमेलन खरीदेंगे, वाटरमेलन होते हैं, या हम बात करें नारियल पानी की, जो नारियल पानी होता है नारियल पानी वाला, तो अगर जब आप उनको लाते हैं तो और आप पॉलीथीन में रखते हैं तो वो पॉलीथीन फटने लगती है, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा होता है, उनका साइज़ बड़ा होता है और उनका वेट जो है वो भी ज़्यादा होता है। तो जो भैया जो होते हैं सब्जी वाले, वह क्या करेंगे कि वो एक और पॉलीथीन उस पर चढ़ा देते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें कि ये हमारा पैकेट है और ये हमें लग रहा है कि इसका सामान जो है वो ज़्यादा हेवी है और ये जो कवरिंग है इसकी वो थोड़ी सी वीक कमज़ोर है, वीक है, ये इसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो हम इसको एक और पॉलीथीन बैग लेंगे और इसके अंदर हम इस तरीके से डाल के और रख देंगे। तो ये क्या होगा, ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो सेम चीज़ है कि जो प्लांट्स के ऑर्गेन्स होते हैं या प्लांट्स के जो सेल के ऑर्गेनिक्स होते हैं वो उनके साइज़ बड़े होते हैं, उसमें वेट ज़्यादा होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है
जो सेल मेम्ब्रेन लेयर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो उन ऑर्गेनिल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसलिए प्लांट के ऊपर एक और कवरिंग चढ़ा दी गई, एक और लेयर चढ़ा दिया गया जिसको नाम दिया गया सेल वॉल। तो हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहती है। ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, प्लस इसका फंक्शन जो है सेम फंक्शन है कि इट ऑल्सो गिव रिजिडिटी शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ओके,